आज का जो टॉपिक है वो डिफॉल्ट राउटिंग था, ठीक है? तो स्टैटिक राउटिंग में कोई डाउट तो नहीं रहा होगा? नहीं। ठीक है, अब हम डिफॉल्ट राउटिंग को थोड़ा सा समझते हैं कि डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब क्या है। ठीक, सो डिफॉल्ट राउटिंग है क्या एक्चुअली, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट राउटिंग क्या है कि आपका एक काइंड ऑफ स्टैटिक राउटिंग ही है। ठीक है, म्यूट करना है? हाँ, म्यूट कर देगा। हाँ, तो डिफॉल्ट राउटिंग भी है, जो डिफॉल्ट राउटिंग है जस्ट काइंड ऑफ स्टैटिक राउटिंग, ये भी एक स्टैटिक राउटिंग है, लेकिन ये स्पेशल काइंड ऑफ स्टैटिक राउटिंग है। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टैटिक राउटिंग, और ये स्पेशल केस में ही हमारा यूज होता है। ठीक है, अब स्पेशल केस का मतलब है कि जब हमारा डेस्टिनेशन अननोन हो। अ डिफॉल्ट राउटिंग, इस लाइन को, अ डिफॉल्ट राउटिंग इज कॉन्फिगर्ड फॉर अननोन डेस्टिनेशन, जहां पे हमारा डेस्टिनेशन अननोन ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो जहां पे मेरा डेस्टिनेशन अननोन होगा वहां पे मैं डिफॉल्ट राउटिंग को यूज करूंगा। और अननोन का मतलब क्या है, इस जनरली यूज इन इंटरनेट, मतलब ये हम लोग इंटरनेट जहां पे हमारा यूज हो रहा होता है वहां पे हम डिफॉल्ट राउटिंग को यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक ही राउटर है। ठीक है, और ये राउटर मेरा आईएसपी से कनेक्टेड है। और ये मेरा आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे मैंने आईएसपी लिया। ठीक है, और पीछे मेरा क्या है कि एक इंटरनेट है। अब यहाँ पे मेरा इंटरनेट है और ये इंटरनेट कनेक्टेड है मेरा आईएसपी के साथ। ठीक है, दिस इज माय इंटरनेट। अब इंटरनेट के पीछे बहुत सारे वेबसाइट चल रही होती है, लाइक गूगल, याहू, जीमेल, बहुत सारी, जैसे मेरी मेरी एक जो मेरी साइट है, वेबसाइट है powerxcess.in, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर के ऊपर होस्टेड है, मतलब ये भी किसी ना किसी सर्वर के ऊपर चल रहा है। तो इंटरनेट के ऊपर मेरे लाखों करोड़ों मेरे क्या चल रहे होते हैं, वेबसाइट चल रही होती हैं, सर्वर चल रहे होते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को इस राउटर से, मतलब मैं यहाँ मेरा एक लोकल नेट चल रहा है, दिस इज माय पीसी। अब मान के चलो कि इंटरनेट पे एक सर्वर चल रहा है मेरा याहू का। ठीक है, और याहू की आईपी है लाइक 200.1.1.1, मान के चलो। ठीक है, अब मुझे 200.1.1.1 जो कि एक अननोन डेस्टिनेशन है, किसके लिए, इस राउटर के लिए, इस राउटर के लिए तो अननोन ही हुआ, क्योंकि राउटर को सिर्फ अपने से जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब अगर ये जो डेस्टिनेशन है, दिस इज अननोन डेस्टिनेशन, तो मुझे अगर इस डेस्टिनेशन तक रीच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक राउट कंफिगर करना पड़ेगा राउटर को, राइट? क्या लिखना पड़ेगा, आईपी राउट और उसका नेटवर्क, जैसे 200, मान के चलो ये 1.1.0 2.5.2.5.2.5.0, और उसके बाद नेक्स्ट होप जो मेरा आईएसपी है, ये वाला आईएसपी, तो इसके ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर मान के चलो 100.1.1.1, मतलब यहाँ पे मेरा चल रहा है एक आईपी चल रहा है, ये राउटर वन पे राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर है 100.1.1.2। ठीक है, इसके ऊपर कॉन्फ़िगर है। ठीक है, और डॉट वन जो कॉन्फ़िगर है वो यहाँ पे है, राइट? तो मेरे को इस नेटवर्क तक, क्योंकि आईएसपी के पीछे इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट पे कहीं पे मेरा याहू का सर्वर चल रहा है, तो मुझे ये मेरा जो याहू वाला जो आईपी है या याहू वाला जो डेस्टिनेशन है
वो मेरे लिए अननोन है, मेरे इस राउटर के लिए अननोन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आईपी राउट एक स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा इस केस में कि अगर मेरे पास डेस्टिनेशन अननोन हुआ। तो आईपी राउट 200.1.1.0 उसके पास उसका सबनेट मास्क और नेक्स्ट होप आईपी मेरा इस इंटरफेस का आ जाएगा। यही होता है ना हमारे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फिगर करने के लिए। अब यहां तक मेरी रिसीविटी कंप्लीट हो गई, राइट। अब मान के चलो यहां पे एक इंटरनेट और एक आईपी और चल रहा है गूगल का। अब गूगल तक मुझे रीच करना, तो मेरे पास गूगल की आईपी है मान के चलो 210.1.0.1.1। तो अब मुझे सेम फिर इसके ऊपर भी मुझे फिर से एक आईपी राउट लिखना पड़ेगा। मतलब जितने भी नेटवर्क अननोन नेटवर्क्स हैं मुझे उनके लिए क्या होगा, एक स्टैटिक राउट कॉन्फिगर करना पड़ेगा। और 255.255.0 और नेक्स्ट होप वही सेम रहेगा मेरा 100.1.1.1। ये मेरा स्टैटिक राउट। तो इस तरीके से अगर मेरे इंटरनेट के पीछे अगर 100,000 आईपी चल रहे हैं तो मुझे 100,000 आईपी की एंट्री मुझे इस राउटर के राउटिंग टेबल में डालना पड़ेगा, राइट। यही क्या समझ में आ रहा है चीज। अभी अनम्यूट कर लो। हेलो, समझ में आ रहा है ये कि जितने भी डेस्टिनेशन मेरे राउटर के पास वाली राउटर से मुझे मतलब इस अननोन डेस्टिनेशन के मुझे अगर राउट डालने होंगे तो मुझे स्टैटिक ही मुझे मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा इस राउटर के ऊपर। अब इंटरनेट के पीछे मेरे लाखों करोड़ों आईपी चल रहे होते हैं, क्या मैं उनकी आईपी यहां पे अगर करते रहेंगे तो फिर राउटिंग टेबल जो राउटर की राउटिंग टेबल है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और जितनी ज्यादा राउटिंग टेबल बड़ी होगी राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन उतना बढ़ेगा, क्योंकि राउटर के पास जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है डेस्टिनेशन के लिए राउटर अपनी राउटिंग टेबल में देखता है और वो उसके हिसाब से डिसीजन को फॉरवर्ड करता है, राइट। अब पैकेट को फॉरवर्ड करता है। अब राउटर के पास अगर जितनी राउटिंग टेबल उसकी बड़ी होती चली जाएगी तो राउटर को राउटर का जो सीपीयू है वो उतना ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो राउटर के लिए ये एक बहुत बड़ा, और राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन जरूर बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं डिसएडवांटेज है स्टैटिक राउटिंग का। मैं इतना ही बड़े राउटिंग की मतलब 100,000 एंट्री मैं राउटिंग टेबल में नहीं कर सकता, लिमिटेशन होती है राउटिंग टेबल की कि इतनी राउटिंग टेबल में इतनी एंट्री ही हो सकती है। तो ये एक मेरा क्या हुआ, एक डिसएडवांटेज हुआ। तो इस केस में अगर इस तरह का सिनेरियो मेरे पास आता है तो टूवर्ड्स आईएसपी की तरफ, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ठीक है, मेरा वापस वही सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं इसको बताऊंगा कि भाई आपके इंटरनेट के भी जितने भी आईपी चल रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं अपने इस जो मेरे ऑफिस का जो राउटर है ये इस राउटर को जो आईएसपी की तरफ कनेक्ट किया हुआ है इसको मैं डिफॉल्ट राउट दे दूंगा। तो मतलब मैं इस राउटर को बताऊंगा कि आपके पास जब भी कोई ऐसी अननोन डेस्टिनेशन के रिक्वेस्ट आएगा जिसकी इंफॉर्मेशन आपकी राउटिंग टेबल में नहीं है तो आप क्या फॉरवर्ड, आप क्या यूज करोगे, डिफॉल्ट राउट यूज करोगे। डिफॉल्ट राउट का मतलब है कि एनी नेटवर्क और एनी सबनेट मास्क की रिक्वेस्ट जो कि आपके राउटिंग टेबल पे नहीं है, ऐसी कोई रिक्वेस्ट अगर आपके लिए पास आती है तो आप उसको सिंपली फॉरवर्ड कर दो किसके पास, आईएसपी की तरफ। आईएसपी के पीछे वो कैसा कॉन्फिगर है आईएसपी वाला वो देखेगा, लेकिन आपको अपने राउटर से आईएसपी की तरफ हमेशा डिफॉल्ट राउट देना है। क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट राउट नहीं दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैनुअली स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे हर डेस्टिनेशन के लिए, गूगल के लिए भी याहू के लिए भी। और अब मेरे पास अगर 100,000 आईपी चल रहे मेरे इंटरनेट के पीछे तो उस 100,000 आईपी की इंफॉर्मेशन यानी उस 100,000 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे राउटर को बतानी पड़ेगी मैनुअली। तो दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो इसीलिए क्या किया गया है, डिफॉल्ट राउट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो डिफॉल्ट राउट एक केस हो गया, आपका स्पेशल केस हो गया जहां पे आप इसको यूज करोगे। तो अब मैं क्या करूंगा, राउटर वन पे सिर्फ इतनी सारी कमांड की बजाय मैं सिर्फ इसके पास एक ये कमांड दूंगा, आईपी राउट 0.0.0.0 दैट मींस एनी नेटवर्क किसी भी नेटवर्क स्पेस 0.0.0.0 दिस मीन एनी सबनेट मास्क, यहां पे इसका मतलब है एनी सबनेट मास्क, और उसके बाद नेक्स्ट होप आईपी, नेक्स्ट होप आईपी means 100.1.1.1। ये configuration है मेरे default route का। अब router के routing table पे ये route inject कर दिया मैंने, right? अब router कैसे decision लेगा,
जैसे ये पीसी गूगल के पास जाएगा, तो मान के चलो गूगल की आईपी है 8.8.8.8, ठीक है। अब जैसे ही ये पीसी गूगल के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो गूगल के लिए जब भी ये पीसी रिक्वेस्ट करेगा, तो ये पैकेट क्या बनाएगा, ये पीसी पैकेट क्या बनाएगा, मान के चलो इसकी आईपी है 192.168.1.1, 10 मान के चलो, सॉरी, ठीक है, और इसका .1 है 192.168.1। अब यहाँ पे जैसे ही ये पैकेट, ये पीसी मेरा गूगल पे जाएगा, तो ये क्या पैकेट बनाएगा, ये पैकेट बनाएगा सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी ये लिखेगा 192.168.1.10 एंड डेस्टिनेशन आईपी विल बी 8.8.8.8। अब जैसे ही ये पैकेट इसके इंटरफेस पे रिसीव होगा, ये राउटिंग टेबल चेक करेगा, और राउटिंग टेबल में देखेगा कि क्या मेरे पास 8.8.8. के लिए कोई नेटवर्क है, मतलब कोई डेस्टिनेशन, कोई राउटिंग इंफॉर्मेशन है। अगर उसके पास नहीं है तो फिर वो चेक करेगा क्या मेरे राउटिंग टेबल पे कोई डिफॉल्ट राउट है, तो उसने देख लिया कि यस, मतलब जो 8.8.8.8 एक अननोन डेस्टिनेशन है, और अननोन डेस्टिनेशन के लिए मुझे क्या क्या यूज करना है, डिफॉल्ट राउट। तो वो क्या करेगा, एनी डेस्टिनेशन हो गया, एनी सबनेट मार्क है, तो वो सिंपली पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा इस आईपी पे। तो ये आईपी किसको, यानी इसके पास आया 8.8.8 के लिए रिक्वेस्ट, ये सिंपली पैकेट हैंड ओवर कर देगा इसको। आगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ तक कम्युनिकेशन कराना, फिर वापस यहाँ से होके, यहाँ से होके पीसी के पास रिप्लाई आ जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट कि कहाँ पे हमें इस डिफॉल्ट राउट को यूज करना है। डिफॉल्ट राउट का मतलब एनी डेस्टिनेशन, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी मैनुअली मुझे इंफॉर्मेशन देनी होती, क्या आईपी राउट 8.8.8.0.255.255.255.0 मान के जो /24 का नेटवर्क ही चल रहा है, और 100.1.1.1 यही कंफिगर करना पड़ता मुझे स्टैटिकली। बट मैंने यहाँ पे स्टैटिकली ना कंफिगर करके मैंने यहाँ पे ऑल जीरो कर दिया, ऑल जीरो कर दिया। दैट मीन किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, अगर वो नेक्स्ट टाइम अगर वो रिक्वेस्ट करता है याहू से, और याहू की आईपी है मान के चलो सेम वही 200.1.1.1, तो सिम पैकेट फिर से क्या होगा, इसको रिसीव होगा, ये अपना फिर से डिफॉल्ट राउट चेक करेगा, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन मतलब अननोन है, इसके राउटिंग टेबल में 200 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो सिंपल पैकेट को हैंडओवर कर देगा इसको, और ये बाकी कंडीशन है। तो डिफॉल्ट राउट का कहां यूज होता है आ रहा है ना, हमेशा आईएसपी के तरफ, लेकिन आईएसपी कभी भी आपकी तरफ डिफॉल्ट राउट नहीं देगा। मतलब सिनेरियो समझना, अगर मेरे पास एक राउटर है और पीछे का आईएसपी है, और मैं अपने इस राउटर से यहां की तरफ क्या यूज करूंगा, डिफॉल्ट राउट यूज करूंगा, ठीक है, टूवर्ड्स आईएसपी की तरफ, क्योंकि यहां पे सारे जो नेटवर्क्स पीछे चल रहे हैं वो अननोन है। लेकिन आईएसपी कभी भी आपकी तरफ डिफॉल्ट रूट नहीं देगा, आईएसपी आपकी तरफ क्या देगा, स्टैटिक रूट देगा, कभी भी दोनों एंड पे डिफॉल्ट लूप नहीं कंसीडर किया जाता, उस केस में हमारे लूप बन जाते हैं। लूप का मतलब है कि ये पैकेट जो भी आप सेंड करोगे वो यहीं घूमता रहेगा, ठीक है। तो कभी भी एक तरफ अगर मैंने डिफॉल्ट लूप दिया हुआ है तो दूसरी तरफ हमेशा स्टैटिक लूप पड़ेगा, और ये चीज माइंड में रखना जब भी हम रियल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जहां से हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी आके हमारे राउटर पे इंजेक्ट होती है, तो मैं राउटर से क्या करता हूँ, टूवर्ड्स आईएसपी की तरफ हमेशा डिफॉल्ट रूट देता हूँ, और आईएसपी मेरी तरफ क्या करता है अपने एंड से, स्टैटिक रूट कंफिगर करता है। लेकिन हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि उसने हमें तरफ स्टैटिक रूट दिया हुआ है, हमें सिर्फ अपनी तरफ से उसको डिफॉल्ट रूट टूवर्ड्स आईएसपी देनी होती है। ये एक केस हो गया मेरा इसका मतलब, और यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा, अ डिफॉल्ट राउटिंग इज कॉन्फिगर्ड फॉर अननोन डेस्टिनेशन, जहाँ पे मेरे नेटवर्क अननोन होते हैं, ठीक है, क्योंकि अननोन का मतलब आईएसपी के पीछे कितने आईपी चल रहे हैं मुझे नहीं पता, तो उस केस में मैं टूवर्ड्स आईएसपी की तरफ डिफॉल्ट लूप दूंगा, कि अगर मेरे नेटवर्क पे जो भी कोई आएगा और वो एक ऐसी डेस्टिनेशन के रिक्वेस्ट करेगा जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे राउटिंग टेबल पे नहीं होगी, मैं सिंपली उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दूंगा आईएसपी को, दैट्स इट। और यहाँ पे लिखा भी हो रहा है जनरली यूज इन इंटरनेट वेयर डेस्टिनेशन इज
अननोन, आई थिंक इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब दूसरा ऑप्शन है कि ऑल्सो कैन बी यूज इन एंड लोकेशन। देखो ये कि ऑप्शनल है, मतलब कि ये केस भी हो सकता है कि जो पहला केस तो आइसक्रीम इधर आके तो होगा ही होगा, ऑलवेज होगा, लेकिन ये एक केस है कि अगर मेरा डिपेंड करता है मेरे टोपोलॉजी कैसा है, मैंने नेटवर्क को कैसे डिजाइन किया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता चीजें, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन जस्ट अभी आपको एक केस मैं बता रहा हूँ कि दूसरा केस कैसा हो सकता है जहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग को यूज कर सकते हैं। तो ऑल्सो कैन बी यूज इन एंड लोकेशन, एंड लोकेशन का मतलब जहां पे, एक सेकेंड होल्ड करना, और पहला तो वो देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है डिफॉल्ट राउटिंग का। तो यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट राउटिंग का एडवांटेज ये लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट राउट हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ राउटिंग टेबल, मतलब आपकी राउटिंग टेबल को ये रिड्यूस करता है। तो दोनों केस में हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पहले इस वाले केस की अगर मैं बात करूँ आईएसपी की, तो मुझे पहले अगर मान के चलो मेरे पीछे इंटरनेट के पीछे 10 नेटवर्क चल रहे हैं, तो उस डेस्क नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मैं राउटिंग की राउटिंग टेबल में दे रहा हूँ, तो राउटिंग टेबल पर कितनी इन्फॉर्मेशन आएगी, 10 एंट्रीज आएंगी, राइट। लेकिन वही मैं अगर डिफॉल्ट राउट कर दिया तो सिर्फ एक एंट्री डालनी होगी कि एनी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क टूवर्ड फॉरवर्ड द पैकेट आईएसपी। तो जहां पे मैं 10 एंट्री बना रहा था लेकिन वहां पे मेरी क्या हो गई, एक सिंगल एंट्री। आई थिंक तुम चले गए कहीं पे, हेलो आवाज आ रही है ना? नहीं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज आया ना, उसका मैसेज। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो केस मैंने बताया वो डिफॉल्ट राउट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द, सॉरी, आल्सो कैन बी यूज्ड एट द एंड लोकेशन। मतलब क्या है कि मैं एक सिनेरियो बता दूं तुमको, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, ओह शिट सेव भी हुआ शायद, देख लेते। मैंने एक डिजाइन बनाया हुआ है कि जहां पे मैं डिफॉल्ट राउट को यूज कर सकता हूँ, जो मेरा दूसरा केस है। पहला केस तो हो गया इंटरनेट टू वर्क आईएसपी की तरफ, ठीक है, और दूसरा केस भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक सिनेरियो है डिफॉल्ट राउट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने सारे राउटर कनेक्टेड है, R1, R2, R3, R4, R5 और R6, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मुझे R5 से मुझे इस R5 से मुझे जाना है R3 तक, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो मैं जाऊंगा R1 के थ्रू होते हुए यहां से, पहला। दूसरा है मेरे पास ऑप्शन R1 से होते हुए यहां से, यानी मेरे पास दो लोकेशन है एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सिमिलरली अगर मैं R2 तक जाता हूं, तो R2 तक जाने के लिए मेरे पास टूवर्ड्स R1, यानी पहले मुझे R1 के पास जाना है, R1 से R2 के पास, फिर दूसरा ऑप्शन है कि R1 से होते हुए यहां तक। इसका मतलब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है समझने, थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कंसेप्ट है एक्चुअली।
यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ इसको। टू रीच द ऑल द डेस्टिनेशन देयर इज वन कॉमन नेक्स्ट होप। अभी मैं इस लाइन का मतलब समझाऊंगा, मतलब कि एक ऐसा डेस्टिनेशन, मतलब ऑल द डेस्टिनेशन, जहां पे मेरे पास अलग अलग डेस्टिनेशन है, मेरे पास चार पांच डेस्टिनेशन है, उस चार पांच डेस्टिनेशन के पहुंचने के लिए सिर्फ एक सिंगल नेक्स्ट होप है, तो वहां पे भी मैं डिफॉल्ट राउट को यूज कर सकता हूँ। दिस इज अ ऑप्शनल केस जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, ये वाला डिफॉल्ट राउट, ये वाला ऑल्सो कैन बी यूज टू द एंड लोकेशन, मतलब कि मेरे पास तीन चार लोकेशन, मतलब तीन चार डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचने के लिए, लेकिन मेरा नेक्स्ट होप क्या है, एक सिंगल नेक्स्ट होप है। अब यहाँ पे जो मैं डायग्राम पे वापिस आते हैं, अब देखो अगर मैं राउटिंग टेबल, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक राउट कन्फिगर करने लगू टूवर्ड्स आर वन, ठीक है, तो मेरे पास कैसे पैकेट्स में बनाऊंगा, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको मैं पेंट पे लेके चलते हैं हम लोग। अब समझ रहे हो, ठीक है, देखो अब मुझे R5 से जाना है R2 की तरफ, तो मैं अगर मैं स्टैटिक ग्रुप कंफिगर करूं तो क्या लिखूंगा, आईपी राउट, मैं यहां पे सबनेट मास्क नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ नेटवर्क लिख रहा हूं, डेस्टिनेशन नेटवर्क, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा मेरा R2, टूवर्ड्स किसकी तरफ मैं जाऊंगा, R1 के थ्रू जाऊंगा, मतलब अगर मैं R2 तक पहुंचना चाहता हूं तो मेरा क्या रहेगा, आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क, और उसके बाद डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, उसके बाद नेक्स्ट होप, यही रहेगा ना। फैज अनम्यूट करो पहले। अब दूसरा मुझे जाना है R3 की तरफ, तो सेम वही आईपी राउट मुझे जाना है R3 की तरफ टूवर्ड्स R1, राइट, फिर लिखूंगा मैं आईपी राउट, फिर R4 के लिए मुझे बतानी पड़ेगी, और यहाँ पे लिखूंगा R4 की तरफ भी जा सकता है, मतलब जो भी है, मतलब अगर मैं इस सभी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता हूँ तो मेरा नेक्स्ट कॉमन होप क्या रहेगा, R1 ही रहेगा ना, कॉमन तो R1 है, कॉमन तो R1 ही रहेगा, मतलब यही मेरा कॉमन नेक्स्ट होप रहेगा, यही मेरा कॉमन नेक्स्ट होप है। सिमिलरली R6 के लिए भी यही चीज होगा एप्लीकेबल, सिमिलरली R7 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन R4 से अगर मैं बात करूं R2 की तरफ जाने के लिए, तो R2 के पास दो ऑप्शन है, इधर से भी और इधर से भी, राइट, यही केस एप्लीकेबल है R3 के ऊपर भी, अगर R3 अगर R2 के पास जाना चाहता है या R1 के पास जाना चाहता है तो इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। तो अब तुम एक चीज यहाँ पे जो स्लाइड का जो मैंने मतलब बताया है आपको, कि मैं हटा दी शायद बोला कि मेरे पास ऑल द डेस्टिनेशन, वी हैव ऑल द डेस्टिनेशन, तो अगर मेरे पास एक डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए पहुंचने के लिए मेरे पास एक सिंगल नेक्स्ट होप है, तो मैं उस केस में भी डिफॉल्ट राउट यूज करूंगा। आप देखो, मैं एक चीज देखो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने तीन एंट्री करी है, R1 R2 की तरफ जाने के, R1 की तरफ जाने के लिए R2 की तरफ जाने के लिए R1 को मैंने नेक्स्ट होप दिया है, R3 के लिए भी R1, R4 के लिए भी R1। अगर मैं बजाय इसके कि मैं यहाँ पे ये यूज करूं, इसमें मुझे तीन एंट्री करनी पड़ गई, राइट, यहाँ पे मुझे तीन एंट्री करनी पड़ गई, लेकिन मैं इस तीन एंट्री करने की बजाय मैं सिर्फ यहाँ पे एक कमांड यूज कर सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, आईपी राउट एनी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क और डेस्टिनेशन इज
दूसरा ऑप्शन क्या था कि जहां पे मेरा नेक्स्ट एक सिंगल कॉमन नेक्स्ट हो, वो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है डेस्टिनेशन है, आर टू मेरा एक डेस्टिनेशन है, आर फोर एक डेस्टिनेशन है, आर थ्री एक डेस्टिनेशन है, आर सेवन एक डेस्टिनेशन है और आर सिक्स एक डेस्टिनेशन है, किसके लिए, आर फाइव के लिए, आर फाइव के लिए, लेकिन इसका कॉमन नेक्स्ट हो कौन है, एक ही तो है आर वन, इस केस में मैं डिफॉल्ट आउट को यूज कर सकता हूँ, बजाय इसकी कि मैं पांच अलग अलग, मतलब इसके लिए भी मुझे एंट्री डालनी पड़ेगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, यानी मुझे टोटल कितनी एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे इस राउटिंग टेबल में आर फाइव के लिए, एक पांच दो तीन चार पांच, पांच एंट्रीज इसका तो जरूरत नहीं, और आर वन, आर वन तो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो वहां से तो करना नहीं पड़ेगा, जिसके इसकी इन्फॉर्मेशन जिसके पास होगी ना ऑलरेडी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टैटिक ग्रुप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मैं इसको करने के बजाय मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, डिफॉल्ट राउट, कि आपके पास किसी भी डेस्टिनेशन के लिए रिक्वेस्ट आए आप सिंपली फॉरवर्ड कर दो पैकेट किसको, आर वन को, लेकिन मैं यहाँ पे ये डिफॉल्ट राउट आर वन पे नहीं दे सकता, क्योंकि R1 के लिए अगर R2 के पास जाना हो तो उसके पास दो पाथ है जाने के लिए, जहां पे मल्टीपल पाथ होता है एक डेस्टिनेशन की तक जाने के लिए, वहां पे मैं डिफॉल्ट राउट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे लूप बनने के चांसेस रहते हैं, मींस अगर ये पैकेट ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा तो वो सिर्फ यही घूमता रह जाएगा, मैं वो एक बाद में समझाऊंगा क्योंकि अभी मैं इस चीज कंसर्न के ऊपर नहीं आऊंगा ताकि आप लोगों को तुम्हें दिक्कत ना हो जाए इस चीज के लिए, ठीक है, तो आप बस इतना समझो कि डिफॉल्ट राउट मुझे कहाँ पे यूज करना है, एक तो टू वर्ड्स आईएसपी की तरफ, क्योंकि आईएसपी के पीछे मेरे पास कई सारे आईपी चल रहे होते हैं, बहुत सारे आईपी कॉन्फ़िगर चल रहे होते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए सारे डेफिनेशन अननोन हो गए, तो मैं वहां पे टू वर्ड्स आईएसपी की तरफ क्या यूज करूंगा, डिफॉल्ट राउट। दूसरा केस क्या हो गया कि मेरे पास मल्टीपल डेस्टिनेशन है लेकिन उनके लिए पहुंचने का जो एक कॉमन पाथ है वो एक कॉमन नेक्स्ट होगा, मेरा मतलब R1 के लिए कॉमन नेक्स्ट होप एक सिंगल है, तो मैं डिफॉल्ट राउट कहाँ यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन इनके ऊपर मैं स्टैटिक ग्रुप कॉन्फ़िगर करूंगा टूवर्ड्स इसकी तरफ, टूवर्ड्स इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ, मतलब इनकी आपस में स्टैटिक ग्रुप चल सकती है लेकिन इनकी आपस में डिफॉल्ट ग्रुप नहीं चलेगा, समझ में आया कंसर्न क्या करने का मतलब मेरा, हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, तो ध्यान रखना ये जो है डिफॉल्ट डिफॉल्ट यूज कर जो है मैं, काम आसान मैं बिल्कुल काम आसान की वजह से बेसिकली हम इससे क्या कर रहे हैं, हम लोग ये तुम्हारा जो राउटिंग टेबल है मैनुअली यूज नहीं कर रहे हैं और राउटर पे जो है समझो मैनुअली नहीं कर रहे, बेसिकली इसका यूज ही हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं मैनुअल यूज नहीं कर रहे, मैनुअल यूज नहीं हो रहा है, हां मतलब ये लोग स्टैटिक ग्रुप कॉन्फिगर करने के बजाय मतलब सभी की एंट्री करने के बजाय मैं डिफॉल्ट ग्रुप यूज कर ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट ग्रुप कहां पे कॉन्फिगर कर सकते हैं हम, यहां पे कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं, यहां पे, क्योंकि जितने भी मल्टीपल डेस्टिनेशन है मेरे पास, मल्टीपल डेस्टिनेशन के लिए कॉमन नेक्स्ट होप एक सिंगल ही है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, लेकिन क्या इसके लिए R4 पे अगर मैं जाना चाहता हूँ क्या सिंगल नेक्स्ट होप है, नहीं है ना, यहाँ से भी जा सकता है, मतलब R1 तक मान के चलो इस PC को R3 को मैं ऐसे सारे क्लियर करता हूँ, इस R3 को ये जो मेरा R3 है इसको जाना है R1 की तरफ, तो इसके पास मल्टीपल पाथ है यहाँ से भी यहाँ से, तो इसके पास एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सिंगल कॉमन होप नहीं है, इसके पास मल्टीपल कॉमन नेक्स्ट होप है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउट यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा यूज R5 पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल लोकेशन के लिए एक सिंगल नेक्स्ट होप है, दैट्स व्हाई, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अब कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा, मैंने जैसे कि एग्जाम्पल लिया था, ठीक है,
अब मैं यहाँ पे अपना वही जो हम लोगों ने तीन राउटर लिए थे ना वही हम लोग फिर से कंफिगर करेंगे, 1 2 3 ये, एक सेकंड होल्ड करना दोस्त। तीन स्विच ले लेते हैं वापस, 1 2 3। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, स्टैटिक रूट तो तुमने कॉन्फ़िगर किया है, मैं इसके ऊपर आईपी दूंगा और उसके बाद हम लोग डिफॉल्ट रूट यूज करेंगे, ठीक है? ठीक। ये हमारे पास ये आ गया, अब F0/1 से F0/1 इसका गिग 0/2, इसका गिग 0/2, इसका भी गिग 0/2, इसका भी गिग 0/2, इसका भी गिग 0/2 और इसका भी गिग 0/2 और इनके बीच में मैं जो यूज कर रहा हूँ यहाँ से 0/0, इसका भी 0/0। कल वाले आईपी एड्रेस को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, 0/1 एंड 0/1। यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो करेंगे 12 वाला, 12.1.1.0/24 और यहाँ पे यूज करेंगे हम 23, ठीक है? और यहाँ जो यूज होगा वो होगा 192.168.1.0/24, यहाँ यूज होगा 2 और देन So, चलो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, पहले हम राउटर 1 पे आते हैं और यहाँ पे होस्ट नेम ठीक है, इंटरफेस गिग 0/0, नो शट, आईपी एड्रेस इट्स 12.1.1.1.255.255.255.0, इंटरफेस गिग 0/2, नो शट, आईपी एड्रेस इज 192.168.1.1, डू शो आईपी इंटरफेस, भी चेक कर लेते हैं, यस ठीक है भाई। R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, R2 पे चलते हैं हम लोग। इंटरफेस गिग 0/0, नो शट, आईपी एड्रेस 12.1.1.2.255.255.255.0, इंटरफेस गिग 0/2, नो शट और आईपी एड्रेस इट्स 192.168.2.2 और होस्ट नेम भी हम इसका चेंज कर देते हैं R2, ठीक है? चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी ब्रीफ और एक अभी इंटरफेस रहता है हमारा, इंटरफेस गिग 0/1, नो शट और आईपी एड्रेस 23.1.1.2। R2 के लिए मैंने सारे आईपी इसके 2 ही कॉन्फ़िगर किए हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पाइप साइन लगा के भी हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड अनअसाइन जो मैंने कल बताया था, ये भी चेक करो कि मेरे पास वही एड्रेसेस आ रहे हैं जिस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है? ये ओके है, ठीक है, ठीक है। R2 भी कंप्लीट है, हम चलते हैं R3 की तरफ। अब होस्ट नेम R3, इंटरफेस गिग 0/1, नो शट, आईपी एड्रेस इज 23.1.1.3,
और इंटरफेस गेट 0/2, नो शट, आईपी एड्रेस इज 192.168.3.3। डू राइट, चेक करते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक्सक्लूड अनअसाइन, ठीक है, यानी ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी आपस में कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, R1 के R2 से, R2 की R3 से, ताकि हमें ये पता लगे कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं R1 पे आता हूँ और पिंग करता हूँ 12.1.1.2 को। यस, मेरी डिसेबिलिटी कंप्लीट है। अब मैं R2 पे आता हूँ, R2 से R1 की तो कंप्लीट है, मैं R3 की चेक कर लेता हूँ। डू पिंग 23.1.1.3, रिसीविटी कंप्लीट, मतलब इनकी आपस में कनेक्टिविटी इज ओके, ठीक है। अब यहां से यहां तक के लिए मुझे चेक कर लेते हैं एक बार, लेकिन आईपी एड्रेस हमने अभी दिया नहीं है, तो चलो आईपी एड्रेस कंफिगर करते हैं सिस्टम के ऊपर डेस्कटॉप, और इसकी आईपी हम लोग टैली रखेंगे 192.168.1.10, और गेटवे का है 1.1। PC2 पे चलते हैं और इसका है 2.10, गेटवे का 2.2 है, और इस पे चलते हैं और इसका 3.10 एंड देन 192.163.3। तो गेटवे को भी एक बार आपस में पिंग करके चेक कर लेते हैं, रिचेबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए 1.1 से। यस, आई एम एबल टू पिंग, गो टू आर PC1 एंड दैट्स व्हाई 2.2। यस, आई एम एबल टू पिंग, नेक्स्ट इज PC2, पिंग 192.168.3.3। ओके, तो कंप्लीट, जो हमारी कंफ्यूजन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो मतलब रीचेबिलिटी आपस में है। अभी बाय डिफॉल्ट राउटर के राउटिंग टेबल में इनके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा टूवर्ड्स R1 की तरफ, अब मैं देखो यहाँ पे डिफॉल्ट रूप में कहाँ कहाँ कर सकता हूँ मुझे बताओ, फैज अनम्यूट करो, मुझे बताओ कि मैं कहाँ डिफॉल्ट रूप करूंगा और कहाँ स्टैटिक रूप कंफिगर करूंगा। R1 पे मैं कौन सा रूप, डिफॉल्ट R1 पे हो गया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अगर R3 पे पहुंच गए, ठीक है, मैंने R1 पे डिफॉल्ट रूप कंफिगर कर दिया। अब R2 पे मैं डिफॉल्ट रूप कंफिगर कर सकता हूँ या नहीं, नहीं अगर R1 पे हो गया तो फिर R2 पे क्या जरूरत, ठीक है, R3 पे, अगर R3 को R1 पे जाना तो उसके करना पड़ेगा R3 पे, मतलब मैं R3 पे और R1 पे मैं डिफॉल्ट रूप कॉन्फ़िगर करूंगा, राइट, तुम कह रहे हो। देखो जितना तुम्हें समझ में आया उस हिसाब से तुम बोलो, बाकी मैं क्लियर मैं तुम्हें करूंगा दोनों ही, यही है अभी तो समझ में नहीं, लास्ट से जो मुझे, है नहीं मुझे सिर्फ इतना बताओ कि डिफॉल्ट रूट में कौन कौन बीच का बीच का जो कॉमन हो गया, एक ही कॉमन है ये आर, देख नहीं नहीं देखो सुनो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि R1 के ऊपर डिफॉल्ट रूट डलेगा या नहीं डलेगा। डलेगा, ठीक है, मैंने डिफॉल्ट रूट डलना चाहिए, ठीक है, R3 के ऊपर कॉन्फिगर करूंगा या नहीं करूंगा। R3 पे हां करूंगा, R2 पे मैं डिफॉल्ट रूट कॉन्फिगर करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यहां पे क्या करूंगा, स्टैटिक, स्टैटिक मुझे बताओ कि स्टैटिक में क्यों करूंगा और यहां पे डायनेमिक डिफॉल्ट क्यों करूंगा, रीजन बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजों को रटने की बजाय चीजों को समझो। मुझे तो अभी यही समझ में आया था कि डिफॉल्ट, देखो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा R1 है, R1 के पास दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, 12 की एंड इसकी, 12 की है और इसकी है, राइट। अब इसके पास अननोन डेस्टिनेशन कौन कौन से हो गए, अननोन की बात कर रहा हूँ, ये अननोन है, हाँ ये अननोन है और ये अननोन है, तीन अननोन डेस्टिनेशन है इसके पास, राइट, अननोन का मतलब जो इसके पास नहीं है अभी फिलहाल नहीं है, अननोन इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इन अननोन डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इसके पास कॉमन नेक्स्ट हॉप कितना है,
12.1. एक ही है ना, तो एक मैं यहाँ पे डिफॉल्ट हूँ, कंफिगर करूंगा और कर सकता भी हूँ। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन R3। अब मैं R3 के पास डेस्टिनेशन नेटवर्क जो अनोन है वो कौन कौन से हैं, एक 1.0, 12.0 एंड और 192.2.0। अब मेरे पास तीन अनोन डेस्टिनेशन है जिसके लिए मेरा कॉमन नेक्स्ट होप क्या है, सिंगल है, 23 सिंगल है ना, और तो मल्टीपल सिंगल है, तो यहाँ पे भी मैं क्या नहीं करूंगा, डिफॉल्ट रूट। अब डिफॉल्ट हम आते हैं R2 के ऊपर। अब R2 के पास अनोन डेस्टिनेशन कौन दोनों कौन के से है, दो नेटवर्क डेस्टिनेशन जो है इसके अनोन है, राइट। अब अब इस डेस्टिनेशन तक के जाने के लिए, इस डेस्टिनेशन जाने के लिए इधर से कॉमन नेक्स्ट होप है और इस डेस्टिनेशन के लिए नेक्स्ट कॉमन होप ये है, तो इसके पास मल्टीपल कॉमन नेक्स्ट होप है ना, मल्टीपल नेक्स्ट कॉमन होप है, तो मैं यहाँ पे डिफर रूट नहीं कंफिगर करूंगा, आई विल कंफिगर स्टैटिक रूट। समझ में आया कि अगर मेरे पास डेस्टिनेशन अगर डिफरेंट है, दो अलग अलग डेस्टिनेशन है और दोनों के लिए नेक्स्ट कॉमन होप अलग है, होप का मतलब राउटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, होप कौन राउटर बोलते हैं, तो मेरे पास ये है नेक्स्ट होप है इधर के नेटवर्क के लिए और इधर के नेक्स्ट होप के लिए ये नेक्स्ट होप है, तो मेरे पास मल्टीपल नेक्स्ट होप होगा ना भाई, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रूट नहीं कंफ्यूज करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, लेकिन इन दोनों नेटवर्क के लिए R2 को स्टैटिक रूट बताऊंगा। समझ में आया, रियल प्रोडक्शन में ऐसे ही किया जाता है, और समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट को समझोगे तो चीजें क्लियर होंगी, कंसेप्ट को रटोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है, तो तुम्हें पता लगे कि डिफॉल्ट रूट दो केसेस में हो सकती है। अब एक केस और हो सकता था कि मान के चलो यहाँ पे ये मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, ये मेरे पास कंसोल नहीं है, इसके पीछे क्या है, ISP है, ये मेरे क्या है, ISP है, और इसके पीछे कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं, गूगल याहू, तो मैं अपने राउटर से बैठ के ISP की तरफ क्या दूंगा, स्टैटिक रूट, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डेस्टिनेशंस है और कॉमन होप क्या है, एक सिंगल, तो मैं सॉरी स्टैटिक नहीं, डायनेमिक डिफॉल्ट रूट, लेकिन ISP कब भी आपकी तरफ, लेकिन ISP तो आपकी तरफ, आपके पास एक ही सिंगल नेक्स्ट होप है, लेकिन ISP कभी भी आपकी तरफ डिफॉल्ट रूट नहीं देता है, ISP कभी भी आपकी तरफ डिफॉल्ट रूट नहीं देगा, उसके पीछे नेटवर्क जिसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी वही देगा, आपको अलग अननेसेसरी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है, जैसे हम गूगल गूगल से सर्च करें गूगल की आएगी। हाँ, देखो अब तुम एक चीज समझने की कोशिश करो, जो अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब डेस्टिनेशन एक डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए, मान के ये मेरा राउटर है, इस राउटर के पीछे एक और लोकल नेटवर्क चल रहा है 4.0 का, ये 192.168 4.0 का है तो लोकल ही, लेकिन अब ISP की तरफ इस मल्टीपल मल्टीपल नेटवर्क के लिए नेक्स्ट कॉमन होप मेरा ही राउटर है ना, तो भी मेरी तरफ डिफॉल्ट रूट नहीं देगा भाई, क्योंकि डिफॉल्ट रूट सिर्फ एक तरफ कंफिगर किया जाता है, दोनों तरफ नहीं किया जाता, दो डायरेक्शन में कभी भी नहीं किया जाता। मैं अभी इस चीज को और क्लियर करता हूँ, ट्राई टू मैं अलग अलग सीरियल लेके चलूंगा ना, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। मेरे पास ये राउटर है, सॉरी दिस इज माय राउटर, और यहाँ पे मेरे पास दो नेटवर्क चल रहे हैं, मेरे लोकल नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरे ऑफिस का नेटवर्क चल रहा है, एक स्विच है ये, एक स्विच ये है, यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है ये चल रहा है यहाँ पे 192.168.1.0/34, और यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 192.168.2.0/24, राइट। अब यहाँ से क्या है कि मेरे पास एक ISP कनेक्टेड है, दिस इज माई ISP, और ISP से कनेक्टेड है। अब ISP के पीछे क्या है, मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्वर पीछे लगे हुए हैं, मान
आईएसपी के लिए भी मेरे नेटवर्क पे दो नेटवर्क चल रहे हैं, मल्टीपल नेटवर्क है, लेकिन नेक्स्ट कॉमन वो क्या है, सिंगल है ना, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आईएसपी मेरी तरफ कभी भी नेवर एवर कभी भी डिफॉल्ट रूट कंफिगर नहीं करता है। डिफॉल्ट रूट जो होता है वो हमेशा मेरे ऑफिस के राउटर से आईएसपी की तरफ होगा डिफॉल्ट रूट, लेकिन आईएसपी मेरे इस नेटवर्क के लिए क्या करेगा, एक स्टैटिक रूट कंफिगर करेगा, ये हमेशा स्टैटिक है। हाँ, मैं दोनों तरफ डिफॉल्ट रूट नहीं दूंगा, इधर भी डिफॉल्ट रूट नहीं दूंगा। अगर मैं दोनों तरफ डिफॉल्ट रूट दे दूंगा तो क्या होगा, मेरे नेटवर्क में लूप क्रिएट हो जाएगा, और लूप क्रिएट हो जाएगा तो मेरे लूप क्रिएट होने की वजह से मेरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आईएसपी की तरफ, आपको आईएसपी की तरफ डिफॉल्ट रूट देना होता है और आईएसपी आपकी तरफ स्टैटिक रूट देगा। ठीक है, देखो इस चीज को और ज्यादा हम समझ पाएंगे जब हम लोग नेटिंग करेंगे। ठीक है, नेटिंग जब हम करने बैठेंगे तब हम इस डिफॉल्ट रूट को अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट अभी जरा माइंड में ये रखना है कि जो डिफॉल्ट रूट दोगे आप उस केस में दोगे जब आपका आईएसपी सामने है और आईएसपी की तरफ डिफॉल्ट रूट दोगे हमेशा। ठीक है, और नेटिंग वाला कंसेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे ऑफिस का ही नेटवर्क चल रहा है, दिस इज माय ऑफिस नेटवर्क, ऑल नेटवर्क्स इज बिलोंग टू माय ऑफिस। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो है वही सेम चीज है कि भाई यहाँ पे एक डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए एक सिंगल नेटवर्क है, यहाँ पे अलग अलग सिंगल नेटवर्क है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट करूंगा, लेकिन इनकी तरफ आप इसकी तरफ स्टैटिक कर दूंगा। ठीक है, तो कंफिगर करते हैं हम लोग। तो मैं R1 पे आऊंगा, R1 पे आया मैं यहाँ पे। ठीक है, और R1 पे अभी मैं चेक करूंगा शो IP राउट, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 12 वाली है और 91 वाली है। ठीक है, अब मैं स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करूंगा, तो स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने के सिंपल सा है, आईपी राउट 0.0.0.0 मतलब एनी नेटवर्क 0.0.0.0 एनी सबनेट मास्क व्हाटएवर, और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा नेक्स्ट होप, तो इट इज 12.1.1.2 कॉन्फ़िगर हो गया। चेक करो डू शो आईपी राउट, तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे इस पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है ना, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है वाली। तो जो डिफॉल्ट रूट होती है ना, डिफॉल्ट रूट का जो कोड होता है वो कैपिटल एस और ऊपर होता है स्ट्रिक्ट साइज होता है। देखो स्टैटिक रूट का ओनली एस होता है, लेकिन डिफॉल्ट रूट के ऊपर क्या होता है, स्टार बना होता है, और नेटवर्क और सबनेट मास्क इज अननोन, मतलब एनी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क वाया किसके थ्रू जाना है 12.1.1.2। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार, चलो मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, देखो यहाँ पे ना एक कंसेप्ट होता है डिफॉल्ट गेटवे ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन नॉर्थ साइड, पहले आ रहा था, पहले जब मैंने शो आईपी रूट किया था, बिफोर जब मैंने स्टैटिक रूट डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर नहीं किया था, जब मैंने ये कॉन्फ़िगर ए कमांड टाइप किया तो मेरे पास ये लोकल राउट आ रहे थे, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे उसकी इन्फॉर्मेशन आ रहा था, बट ऊपर एक मैसेज आ रहा है डिफॉल्ट जो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट। लेकिन नीचे आओ, अब मैंने जब यहाँ पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर दिया है उसके बाद मैंने लिखा शो आईपी राउट, तो यहाँ पे मैसेज चेंज हो गया है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज 12.1.1.2 टू नेटवर्क 0.0.0। मैं इसका मतलब अभी नहीं समझाऊंगा, इसका मैं कल समझाऊंगा, जस्ट एक लाइन में आंसर करूंगा आपको समझ में आएगा, बट मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता चीजों को। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको दिखा दिया चेंजेस आया, क्या चेंजेस आया, एक तो ये चेंज आया कि मेरे पास एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर सॉरी डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर हो गया है, उसका जो कोड होता है वो कैपिटल एस और स्ट्रिक्ट साइन मतलब स्टार बना होता है, तो ये मेरा डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर है। और एक चीज ये आया है, यहाँ पे एक लाइन ये ऐड हो गई है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज 12.1.2 टू द नेटवर्क इज 0.0.0, और पहले ये चीज आ रहा था, तो गेटवे 12.2 है, उसके बाद जो है किसी भी नेटवर्क,
हाँ मैं इसका मतलब मैं कल समझाऊंगा अच्छे से टर्न वाइज के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ मैं आर वन के ऊपर, आर टू पे भी चलते हैं हम लोग, और आर टू पे भी हम लोग क्या करेंगे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे, और सेम आईपी कॉन्फ़िग मोड पे चलते हैं, डू शो आईपी लाओ पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा रूट कॉन्फ़िगर नहीं है डिफॉल्ट, सो कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी लाओ 0.0.0 0.0.0 एनी सबनेट मास्क एंड देन 23.1.1.2 डू राइट डू शो आईपी राउट नाउ चेक, यहाँ पे भी वो चीज हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। जो डू राइट है वो लिखना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन तुम्हारी सेव हो जाए, मैं इसको भी अब मैं एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, ठीक है, दोनों वाली से कि मैं ये कमांड डू राइट वाली कमांड टाइप करता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया मतलब अगर अगर नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगी कमांड सेव नहीं होगी, जैसे राउटर राउटर मेरा रिस्टार्ट हो जाएगा तो सारी कंफ्यूजन भी हो जाएगी। अब मान लो मैं नोटपैड पे कोई फाइल टाइप लिख रहा हूं, कोई डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूं, डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करूंगा तो क्या वो फाइल मेरे सिस्टम पे स्टोर होगी, नहीं होगी ना। अच्छा जो पुराना जो अभी वो ऑफिस में जो गलती कर रहे थे जो इसकी शुगर था इसीलिए शुगर थे टू राइट नाम नहीं, हाँ डू राइट ना करने की वजह से, ठीक है। हाँ जो बार बार जो एक कंप्लेन चले ये हो रही थी, ठीक है। अब मैंने दोनों एंट्री क्या कर दिया, इसकी तरफ डिफॉल्ट रूट दे दिया, इसकी तरफ डिफॉल्ट रूट दे दिया, लेकिन अब मैं इसके ऊपर आके क्या करूंगा स्टैटिक रूट कंफिगर करूंगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे दो ही नेटवर्क है, कौन सा है पहले राउटिंग टेबल चेक करते हैं, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम कंफिगर करेंगे आईपी राउट 192.168.1.0 नेटवर्क के लिए और सबनेट मास्क दे दिया इसका, यानी इस नेटवर्क के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके ऊपर। और नेटवर्क क्या रहेगा 12.1.1 और दूसरी कंफिगरेशन रहेगी 3.0 के लिए और नेटवर्क क्या रहेगा 23.1.1.3। समझ में आया यहाँ पे, मतलब मेरे पास दो डिफरेंट नेटवर्क के लिए दो डिफरेंट नेट होप है, इसलिए मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रूट नहीं कंफिगर कर सकता, समझ में आया ना। ठीक अब डू शो आईपी राउट, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एस आर है स्ट्रिक्ट का साइन क्या रहा है, हाँ स्टार का मतलब डिफॉल्ट रूट है, ठीक है ये, हाँ तो ये देखो यहाँ पे 3 के नेटवर्क के लिए 23 के साथ जाएगा ये, इसको इसको पैकेट फॉरवर्ड करेगा। और अगर हम बात करें इसके लिए इस नेटवर्क के लिए इसको 12 को हैंडल करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे स्टैटिक रूट को कॉन्फ़िगर नहीं किया, तीन अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, अगर मेरे को यहाँ पे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ता तो मुझे तीन एंट्री डालनी पड़ती, इस नेटवर्क की, इस नेटवर्क की और इस नेटवर्क की, यानी तीन एंट्री मुझे इसके अंदर डालना पड़ता, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने तीन एंट्री बनने की बजाय तीन एंट्री डालने की बजाय मैंने सिर्फ एक एंट्री डाली, तो मेरे पास राउटिंग टेबल क्या हुआ रिड्यूस हुआ ना, मेरा इन्फॉर्मेशन कम डाल दिया मैंने, जितनी कम इन्फॉर्मेशन डालूंगा उतनी राउटर अपने सीपीयू को कम यूज करेगा, समझने की कोशिश करें क्यों क्यों मेरा राउटिंग टेबल ये रिड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं तीन एंट्री डालता हूँ वहाँ पे सर मैं एक एंट्री डाल दिया, मेरा काम बन गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस पीसी पे आता हूँ और इस पीसी पे मैं आईपी चेक करता हूँ और आईपी है 192.168.1.10 एंड देन पिंग 192.168.3.10 जो कि मैं यहां से शो कर रहा हूँ पिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो लेट्स देखते हैं कि होता है कि होता है हो गया, क्योंकि जब पैकेट इसके पास आया होगा इसने चेक किया कि मेरे पास 192.168.3 नेटवर्क के लिए कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसने चेक किया कि मेरे पास एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर है, उसके पास राउटिंग टेबल में इसको ये वाला नेटवर्क नहीं मिला, तो उसने क्या चेक किया डिफॉल्ट रूट चेक किया, क्या मेरे पास डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर है, उसने कहा यस, और हैंड ओवर किसको कर रहा है इसको, और ये फर्दर इसको यहाँ से क्योंकि इसके पास तो है ना इन्फॉर्मेशन स्टैटिकली नेटवर्क के लिए, और यहाँ पे भी जब पैकेट बनाएगा तो ये सोर्स ये बन जाएगा डेस्टिनेशन ये बन जाएगा, यानी 3.10 1.10 डेस्टिनेशन बनेगा, यहाँ पे जाएगा तो 1.10 के लिए इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब 1.0 नेटवर्क के लिए इसके पास नहीं होगा, लेकिन इसमें डिफॉल्ट रूट है
ये सिंपली फिर इसको फॉरवर्ड कर देगा, और इसके पास 1.0 के नेटवर्क इंफॉर्मेशन है, तो इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया। तो आई थिंक ये चीज में क्लियर हो गई होगी। तो डिफॉल्ट रूट समझ में आया कि किस कनेक्शन में, हां और भी चीजें डाउट क्लियर होती रहेंगी। तो डिफॉल्ट रूट और स्टैटिक रूट में तुम्हें डिफरेंस समझ में आया कि स्टैटिक रूट कहां कॉन्फिगर कर दिया, डिफॉल्ट रूट कहां। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वाला कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट हम लोग कल राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। मैं कल इसको कर दूंगा।